हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है और ये न्यूज़ जो है वो स्पेशली विवाहित महिलाओं के लिए है। तो बच्चों के दिमाग में जो है ये चीज़ रहती है, जैसे ही एग्ज़ाम उनका क्लियर हो जाता है हमें कौन कौन से कागज़ जो है वो तैयार करवाने हैं। जो शादीशुदा लड़कियाँ होती हैं उनके दिमाग में तो यही रहता है, हमें पीहर पक्ष का जो है डॉक्यूमेंट लेके आना है या फिर हमें जो है अपने ससुराल पक्ष का पति की तरफ से लेकर आना है। तो ये नोटिस पढ़ने के बाद जो है वो आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन हो रहा है वो दूर हो जाना चाहिए। मात्र 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसमें सभी आ जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो पहले आदेश दिए थे जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन था। यहाँ पर जो है वो संशोधन हुआ है। संशोधन में क्या बात कही गई है? शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा प्रावधानों में जारी संशोधन के अनुसार, बहुत ध्यान से देखना, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में आवेदन करने वाली विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर क्रिमिलियर वर्ग में नहीं होने का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है? एक ये पॉइंट हो गया है। दूसरा जो है, कौन सी विवाहित महिलाएं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सहरिया वर्ग, SC ST और सहरिया वर्ग में आवेदन करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं इनको पिता के नाम, निवास स्थान के आधार पर जारी जो जाति प्रमाण पत्र है वह प्रस्तुत करना होगा, ठीक है? SC ST के लिए जो है बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया गया है कि पिता के तरफ से ही जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। तीसरी बात है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो विवाहित तो महिला अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर रहता है, EWS वर्ग की जो विवाहित महिलाएं हैं। अब देखिए, कुछ जो लड़कियां होती हैं वो दूसरे स्टेट से जो है राजस्थान में आई हैं, काफी टाइम से यहाँ रह रही हैं और मूल निवास जो है यहाँ का बनवा लिया है। अब वो कहाँ से बनवा के लाएं? तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अदर स्टेट से शादी होकर आई हैं या राजस्थान से दूसरे स्टेट में शादी होकर गई है, ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जो संशोधित आदेश है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए, ठीक है? बस इतना ही लिखा है। तो आप अपना जो है EWS सर्टिफिकेट देखना, उसमें अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल मान्य होगा विवाहित महिला अभ्यर्थी का। यहाँ पर राजस्थान का या अदर स्टेट का तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन राजस्थान के निवासी हैं, दूसरे स्टेट से यहाँ पर आई हैं या राजस्थान से दूसरे स्टेट में गई हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने राजस्थान का ही जो है, राजस्थान में ही जो है वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिग्नेचर जो है वो करवाए होंगे EWS सर्टिफिकेट पर, ठीक है? तो आप इस बात को समझ रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी जो लड़कियां होती हैं जो अदर स्टेट से यहाँ पर आ गई हैं राजस्थान में और कई सालों से रह रही हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर बना है उनका, अब EWS भी जो है उनका बन गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है जारी हो चुका है तो उनका मान्य होगा, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि अदर स्टेट से आने वाली विवाहित महिलाओं का EWS सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं लिखा है। हो सकता है ये संशोधित जो आदेश है तो इसमें जो है इन्होंने इसीलिए ये चीज़ नहीं लिखी है कि लड़कियों के माइंड में यही कन्फ्यूजन रहता है कि दूसरे स्टेट में गई हैं तो कहाँ से बनाएं, ठीक है? या अदर स्टेट से आई हैं तो कहाँ से बनाएं? मूल निवास जो है वो राजस्थान का होना चाहिए, ये तो कंपलसरी ही रहता है। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर राजन विशाल के संज्ञान में आज प्रातः यह मामला आया तो उन्होंने तुरंत ही शिक्षा निदेशक से प्रावधानों में संशोधन करने का आग्रह किया, ठीक है? तो जो प्रावधान थे उसमें संशोधन हुआ है। तो अब जो है वो आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन रहा है वो बिल्कुल दूर हो गया होगा। आपके पास जो EWS का सर्टिफिकेट है वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्य होना चाहिए, ठीक है? तभी आपको जो है आरक्षण का जो है वो फायदा मिलेगा, और साथ में मूल निवास तो आपको राजस्थान का ही बनवाना होगा, ठीक है? वहीं पर SC ST के लिए जो हमने क्या देखा, पिता की तरफ से लगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? शिक्षा निदेशक ने ही तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रावधानों में आवश्यक संशोधन भी कर दिए हैं। तो यहाँ 3 पॉइंट जिसमें सभी तरीके की जो आरक्षण लेने वाली विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर कह दिया गया है,
और कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग ज़्यादा दिमाग जो है वो बिल्कुल भी ना लगाएं कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा है या वैसा तो नहीं लिखा है, जो लिखा है केवल उसको ही मानना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई बात होती है आपके सामने जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तो आप लोग जो है नोटिस, जो भी आदेश जारी होता है उसको आप दिखाएं कि आपके जो आदेश में ये लिखा हुआ है और हमने इसके अकॉर्डिंग ही काम किया है, हमने कुछ भी चीज़ नहीं छुपाई है, तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल मान्य होगा, हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल मान्य होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे घबराते हैं कि कहीं जो है वो नौकरी ना चली जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भी आदेश जारी होता है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक जो है वो उस पर आप चल रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये आदेश था जो मैंने आप लोगों को बताया, और कुछ भी अगर कोई और भी नोटिस आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।